वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6 ऑफ SPS स्कूल। नाउ हमने एक नया चैप्टर हमने शुरू किया है, वाटर वाटर एवरीवेयर। एंड आई हैव गिवन इंट्रोडक्शन ऑफ अ वाटर एंड वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द वाटर एंड वी हैव जस्ट हैड अ information about water, that what are the crises of water in our India and nearby places or in the world also. Okay, now in the second part we have just finished the first part, we'll do some little bit revision of the first part. Okay, the water boy is there. Okay, part 1, to usme part 1 mein kya kaha gaya tha ki ek Vijay naam ka ladka hai, to wo water ke sath khelne ke liye use bahut acha lagta hai, water ke sath wo khelta hai hamesha। तो पहले तो वो टब बनाता है, टब में पानी भरता है, फिर उसमें एक अपनी नाव है, वो एक खिलौने की जो नाव होती है उसके साथ वो खेलता है, फिर बाद में अपने फ्रेंड से तो एक बड़ा तालाब जैसा वो बनाता है, तो उसमें उसे क्या करते हैं, वो धक्के मार के उसमें गिरा देता है, वो एक अच्छा लगता था। फिर वो एक पडल्स बनाते थे गार्डन में, एज अ रिवर इज पासिंग नियर थ्रू इट, उसे मड के जो पडल्स होते हैं तो उसी तरह वो बनाता था। और उसकी मम्मा भी उसे समझाती थी कि तुम पानी का वेस्ट मत करो। ओके, सी वॉज गिविंग अ गुड एडवाइस टू द विजय, बट आफ्टर ऑल विजय वॉज नॉट लिसनिंग टू हर मदर। एंड वन डे हर मदर डिसाइडेड टू गो एट हिज ब्रदर्स होम इन द विलेज एंड दे वेंट there, and Vijay also liked to go at his mama's house because there were many cousins whom he played with them and whom he was willing to play with them, and he was feeling very happy to stay with their cousins, that's why he went there. And after that they slept, they reached at brother's house, his mama's brother's house, they reached at night, and after that they slept. He was tired and at midnight he woke up because some of the people were just shouting outside his room. Why they were shouting, what was the problem, that we will see in the second part. But before that, there is an activity that is given in your test book, that is activity number 3. Okay, activity number 3 mein kuch hai to hum wo pehle dekhte hain kya hai activity 3. ओके, एक्टिविटी 2 वॉज द स्टोरी पार्ट 1, ओके, वाटर बॉय का पार्ट 1। नाउ एक्टिविटी 3 में कुछ आपके लिए है, व्हाट कैरेक्टर्स हैव बीन मेंशन इन द स्टोरी सो फार। तो अभी तक कितने कैरेक्टर आपको इस स्टोरी में बताया गया है वो आपको लिखना है। तो उसमें कितने कैरेक्टर्स है, एक तो विजय है, फिर दूसरा कौन है, उसकी मम्मा मीन्स विजय इज मदर, एंड द लास्ट वन इज मदर्स ब्रदर, मदर का भाई। ओके, सो दीस आर द 3 कैरेक्टर्स दैट आर सीन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ओके, हैव बीन मेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ सेकेंड वन, While Vijay was sleeping, something happened to wake up the other people in the house. What do you imagine might have happened? क्या आपको इमेजिन करना है कि जब विजय सो रहा था तो उसे कुछ ना कुछ आवाज़ आई थी उसके रूम के बाहर से, तो आपको इमेजिन करना है कि वो आवाज़ किस लिए थी, क्या मैटर थी वो दोनों के, वो लोगों के बीच, वो आपको इमेजिन करके यहाँ पे लिखना है। तो ये पहला हमारा हुआ, तो हम इमेजिन कर सकते हैं, किस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारा चैप्टर वाटर वाटर एवरीवेयर है तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो क्राइसिस दैट मे बी अकर्ड बिहाइंड नियर द रूम ऑफ अ विजय व्हेन ही वाज स्लीपिंग आउटसाइड, मीन्स आउटसाइड द रूम द पीपल गेट द देयर, बट प्रॉब्लम शुड बी ऑफ अ वाटर ओनली। ओके, सो वी कैन से हियर, वी कैन राइट हियर, विजय स्लीप, व्हाट डू यू इमेजिन माइट हैव हैपन, ऑल द पीपल मे बी शाउटिंग एंड जस्ट फाइटिंग बिकॉज ऑफ अ वॉटर, सो द रीजन मे बी
the water only. Okay, we can imagine like this and we can write the answer. Okay, if you imagine any different thing, then you can write your answer also. Ask your classmate what they think might have happened in the house. Write down the idea of your classmate that you find most interesting. Now you have to just ask to your friends. Okay, but this it is not possible because we are not studying in a class, we are at home only. So you can write your answer and show to your mama or papa or your elder brother and sister. And what you should just tell them this story also, part one story, and you should take ideas from them also. Okay students, so this is the activity that you should do at your home, and you can ask to your parents to help them and take ideas from them also. And you also ask them about the water, how it is important in our day-to-day life. So you will get new stories from your parents and grandparents. Okay, so this activity should be done at the home and it is very easy. Now activity number 4 is there, and that is of a water boy part 2. Water boy part 2 in water everywhere unit number 3. We are going to start activity number 4, and in that we will see the water boy part 2. And we have seen water boy part 1 in previous lecture. Now it is water boy part 2. Water boy part 2. Okay students, we will see here. What does the story wants to tell us and how we'll approach towards a new story, that we'll see here. Okay students, now water boy part 2 activity number 4. I have told in previous lecture that you should always be very carefully in using the water. You should not waste. You should give a promise to your parents or your friends also. You should make them understand also, and there should be a promise in some doing a good work, then you will finish or you will do like that only. Okay, I am just telling to you, you should always follow the things which are benefit for the world, for the society and for your home. Okay students, so from previous lecture only, you should always understand about the using the water, how you should use the water. You should not waste the water. That promise should be kept with you. Okay, within you, and work towards it. Now we'll see, they are making us understand by this story that how many problems are faced if the water is not there. In some villages water is not there, they are not getting the water, and how they are facing the crisis about the water. They are making us understand about the water crisis and how the water is important in our day-to-day life. That's why we are reading this story and understanding from it. Okay students, so water boy part 2. The next morning Vijay got up and went to the bathroom. To agli subah wo uthta hai, fir kahan pe jata hai, pehla kaam brush karna, wo sab kuch hota hai, isliye wo kahan pe jata hai, wo bathroom pe jata hai. When he opened the tap, there was no water. To uske mama ke ghar mein जब वो बाथरूम में जाता है, फिर क्या होता है, वो ओपन करता है टैप, पर टैप में से कुछ निकलता नहीं है. क्या नहीं निकलता? वाटर डज नॉट कम आउट फ्रॉम द टैप. देयर वॉज नो वाटर इन द टैंक. व्हेन ही ओपन द टैप देयर वॉज नो वाटर. ही लुक्ड अराउंड एंड फाउंड वाटर स्टोर्ड इन मेनी बकेट्स. तो गाँव में ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पर रेगुलर पानी भी नहीं आता, फिर वहाँ पर टंकी भी नहीं होती. जैसी हम हमारे घर पर जो बहुत बड़े टैंक होती है ना घर के ऊपर, तो वैसे वहाँ पे कुछ नहीं होता. तो वो क्या करते हैं कि वो बकेट्स भर के वो रख देते हैं, किसी को अगर कोई ज़रूरत पड़े तब वो बकेट से थोड़ा सा पानी निकल के वो यूज़ कर सकता है. इसी तरह यहाँ भी उसके जो मम्मा है, उसके ब्रदर्स के घर में से, उसके मामा के अंकल्स के घर, विजय के अंकल का, वो भी ऐसे ही करते थे, बकेट्स भर के रख देते थे और उसमें से जितना पानी आपको यूज़ करना है उतना लेके आप यूज़ कर सकते हैं. ही लुक्ड
around and found water stored in many buckets. He was surprised and asked his cousin about it. तो ऐसे देखते ही he was very surprised. He was shocked. कि ऐसे क्यों करते हैं सब, यहाँ पे सब बकेट से वो भर के क्यों रख देते हैं, पानी क्यों नहीं आ रहा है टैप से, वाई दे आर डूइंग लाइक दिस. ही वॉज जस्ट अमेज्ड, ही वॉज जस्ट शॉक्ड. एंड देन ही आस्क्ड टू हिज कजिन्स, कजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ओके, हिज कजिन मीन्स ही वॉज अबाउट हिज कजिन राजेश. ओके, वॉट वॉज द कजिन of a Vijay, what was the name of the cousin of a Vijay? It was, he was a Rajesh yes, Rajesh explained that there was no water anywhere. Now what did Rajesh do? When the Vijay asked to Rajesh, when Vijay ne Rajesh ko pucha ke yahan pe pani kyu nahi aa raha hai, yahan pe sari buckets hai wo kyu fill karke rakhi hai pani ke sath, to Rajesh ne kya jawab diya abhi के किसी के घर पानी नहीं आ रहा है. ओके, ऐसा जवाब किसने दिया? राजेश ने. एक्सप्लेन दैट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर, के किसी भी जगह पे पानी नहीं है. इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एंड ऑल द लेक्स हैड ड्राइड अप. देन राजेश अगेन एड समथिंग दैट कपल ऑफ इयर्स, के कुछ वर्षों से यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई, इसलिए जो रिवर्स थे, पॉन्ड्स थे, तालाब थे, वो सब सूख गए और हमें वाटर की क्राइसिस फील हो रही है. इस तरह वो समझाता है. किसको समझाता है? विजय को सब कुछ बताता है. ओके, दे हैड टू डिपेंड ऑन सम वाटर दैट केम फ्रॉम वन टैप एंड दे हैड टू कीप अवेक टू सी दैट दे डिड नॉट मिस इट एंड इट कुड कम एनी डे एंड एनी टाइम. नाउ द रीजन, अब रीजन पता चला. राजेश ने बताया कि हम पूरा गांव एक टैप है, उसके ऊपर ही हम निर्भर है और वहां पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी पानी आ सकता है. इसलिए हम वो मौका चूकना नहीं चाहते, इसलिए सब लोग यहां पे दिन रात बैठते रहते हैं. अगर पानी आ गया और मैं मिस कर गया तो मेरा घर भी नहीं चलता पानी के बिना, इसलिए सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे सब बोलते हैं, फाइट करते हैं पानी के लिए, ये सब कुछ होता है. सो यू कैन सी हाउ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अ वाटर इन अ स्मॉल विलेज. पूरे गांव के लिए एक ही टैप है, तो हमारे घर में कितने टैप्स होते हैं? बाथरूम में दो होते हैं, फिर वॉशिंग में दो होते हैं, फिर वॉशिंग बेसिन है वहाँ पर दो तीन होते हैं, फिर किचन में भी एक दो होता है, एक रूम में सेपरेट भी होता है. ओके, तो कितने सारे नल है, उसमें सब नल में से पानी आता है. पर अगर हम गांव की कोई इस तरह की कंडीशन हम देखते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि पानी की क्राइसिस कितनी है और हमें किस तरह बचाना और हमें किस तरह बचाना बचाते हैं. और ये सब कुछ बाद भी अगर हम ये नहीं समझते कि पानी की वैल्यू क्या है, देन वी शुड थिंक दैट वी आर फूलिश. यस और यस. सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर व्हाइल यूजिंग द वाटर. यू शुड यूज फ्रीक्वेंटली, डू नॉट वेस्ट वाटर. इफ अदर्स आर वेस्टिंग नियर बाय योर होम और योर पेरेंट्स और नियर बाय सोसाइटी मेंबर्स, देन यू शुड ऑलवेज गिव देम एडवाइस टू नॉट वेस्ट द वाटर. Might they be not knowing about the water crisis, but you are knowing now, because we are reading the story about a village where they are not having a water for few many years, and they are just depending on only one tap. And water, when water will come, at they are not knowing that time also, but they are sitting like a mad people and waiting for a water in. That comes in that tap. So you should always think of others as a good citizen of our India, and you should always give a good advice for using the water very in a good manner and in a frequently ways. Last night, luckily the water had come, but it might be days before it came again.
तो लास्ट नाइट पानी आया था, बाय लक्की इट केम वाटर एट लास्ट नाइट, बट वो कब आए थे, वो कब पानी आया था, कितने दिन बाद कल रात पानी आया था, ऐसा कौन बता रहा है, राजेश विजय को बता रहा है। टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज द वाटर दे हैड कलेक्टेड इन द नाइट, राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर। टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज, अगर वो चांस जब पानी आता है टैप में वो गांव में, तब अगर कोई चांस मिस कर जाता है, वो पानी नहीं भरता वो टैप से, तो वो उसकी ज़िंदगी तो दिक्कत में होती है। फिर राजेश क्या बताया कि कल रात ही पानी आया था, कुछ दिनों के बाद कल ही आया था, तो हमने ये सब कुछ भर के यहाँ पे रख दिया है। एंड ही इज़ टेलिंग और ही इज़ जस्ट गिविंग एडवाइस टू विजय दैट यू शुड ऑलवेज, इफ़ यू आर स्टेइंग हियर देन यू शुड ऑलवेज यूज द वाटर वेरी केयरफुली, हाउ मच वाटर इज नीडेड बाई यू, दैट मच वाटर शुड बी यूज बाई यू, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी वेस्टेड, बिकॉज यू नो दैट नाउ द वॉटर केम लास्ट नाइट ओनली एंड नाउ वेन इट विल कम अगेन दैट आई एम ऑल्सो नॉट नोइंग। ओके, राजेश इज एक्सप्लेनिंग दिस ऑल द क्राइसिस दैट दे आर फेसिंग इन द विलेज टू विजय एंड नाउ द विजय ऑल्सो, नाउ द विजय's माइंड ऑल्सो गोइंग थ्रू द क्राइसिस ऑफ वॉटर, at last we'll see what will happen in the story, but till now we have just understood the condition of the this group of this village. Okay students, now we'll see the further that what does it tell us about it. Now if the family ran out of water, they would have to buy water from someone else and it was very expensive. Then again Rajesh is saying, if someone is missing, someone ran out of water means agar koi miss kar gaya hai, agar pani aata hai aur koi wahan se pani nahi bhar saka, koi bhi reason hoga uska, to usko buy karna padega kisi aur se, aur wo pani itna mehanga milta hai ki wo aap buy nahi kar sakte. ओके, एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉस्टली, वेरी कॉस्टली. ओके, राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेज टू यूज वाटर वाइजली. नाउ राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेज टू यूज वाटर वाइजली. नाउ राजेश एक तरीका बताता है किसको बताता है विजय को, एक तरीका बताता है कि वाटर को कैसे हम यूज कर सकते हैं इन अ गुड मैनर, वेरी वाइजली. ओके, जिस तरह तुम अपने सिटी में जिस तरह तुम पानी का उपयोग करते हैं, वैसे ही पानी यहाँ पे उसका उपयोग नहीं करना है, उसको बहुत ध्यान पूर्वक उसका उपयोग करना है, बिकॉज यू नो द कंडीशन ऑफ द विलेज नाउ, दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग वाटर. ही गेव विजय अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम टू यूज इट फॉर अ ब्रशिंग हिज टीथ. सो वन ग्लास of brushing and washing the face and the teeth. He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in a bucket, means only half of the bucket should be filled with water to take a bath. First was, if you want to brush your teeth and wash face, you should only use a glass of water, one glass of water. He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later. He told Vijay to save the water used for washing his clothes. जब आप क्लोथ वॉश करते हैं तब उसमें जो पानी बचता है आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स, इफ द वॉटर इज स्टिल देयर देन यू शुड कीप इट लाइक दैट टू यूज इन अदरवाइज. ओके, यू शुड नॉट थ्रो दैट वॉटर एट एनी वेयर बट यू शुड ऑलवेज कीप इट सो वी कैन यूज दैट वॉटर इन डिफरेंट वेज. So he showed him the three different things. So he showed him the three different things, how to use the water very wisely or properly. Wisely का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह use करना, किस तरह अच्छी तरह हमें use करना है उसका मतलब ये होता है. Okay, so this was the story
that Rajesh was explaining to the Vijay all over things about the condition of the village, about the crisis they are facing in the village, and what was there, and what was the, what we can say that, and how they are getting the water in a tap. That also they are saying, he is explaining to the Vijay. And I think that now you are also understanding that some of the villages of India are also facing like this crisis. Okay, they are facing the crisis like Rajesh is explaining about his village, like that only many cities, or we can say many villages, remote area villages are facing this crisis also, but we are not knowing about it. Here Rajesh is telling about his village, but we should always take care about it while using the water. And we should always take care about the water, and we should always use the water very wisely in our day to day life. If someone is not, I am repeating these things because there should be a proper thought about a water in your mind, that's why. Okay students, आपको ये पता चलना चाहिए कि अब हमें पानी की जो उपयोग है उसका जो उपयोग हम करते हैं तो वो किस तरह हम उपयोग करें उसका ख्याल अब होना चाहिए, बिकॉज नाउ यू हैव बीन ग्रोन अप, नाउ यू आर इन अ सिक्स स्टैंडर्ड, दैट्स वाई. इफ समवन इज वेस्टिंग द वॉटर देन ऑल्सो यू शुड गिव देम अ गुड मैसेज और एडवाइस टू नॉट वेस्ट द वॉटर. So this was the story that we have completed in this lecture. Okay, rest of the story that we will see in the next lecture. Till that, you should read the story and enjoy this story and take a good message from this story. Okay students, thank you and have a good day.